नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह के पूरे 4 दिन के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म भारत के भी 20 दिन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों इन दोनों फिल्मों में कौन सी फिल्म रही हिट और कौन सी हो चुकी है फ्लॉप। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बॉलीवुड, साउथ और हॉलीवुड फिल्मों की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट सबसे पहले देखने के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म भारत के बारे में, तो दोस्तों भारत फिल्म को आज बॉक्स ऑफिस पर 20 दिन पूरे हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, फिल्म रिलीज हुई थी 5 जून यानी ईद के मौके पर, और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही काफ़ी अच्छा बिजनेस किया था। अगर दोस्तों बात कर ले फिल्म की इकोनॉमी के बारे में, तो दोस्तों फिल्म बन के तैयार हुई है लगभग 165 करोड़ रुपये में। वही दोस्तों, इस फिल्म को अपने पहले हफ्ते में वर्ल्ड वाइड लगभग 6000 स्क्रीन में रिलीज किया गया था। बात करें डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों सलमान खान की फिल्म भारत ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी इंडिया में 42 करोड़ 30 लाख रुपए। वही इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में 150 करोड़ रुपए कमा लिए थे। बात करें पहले हफ्ते के कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने पहले हफ्ते में इंडिया में कमाई की थी 180 करोड़ रुपए। वही दूसरे हफ्ते में फिल्म ने कमाए थे 25 करोड़ 51 लाख रुपए। बात करें दोस्तों तीसरे हफ्ते के कलेक्शन की, तो तीसरे हफ्ते में दस्तक देते ही इस फिल्म ने अपने 17वें दिन 90 लाख रुपए का कारोबार किया था। वही 18वें दिन फिल्म की कमाई रही थी 1 करोड़ 30 लाख रुपए। 19वें दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए 1 करोड़ 80 लाख रुपए। वही बात करें 20वें दिन की, तो दोस्तों ये फिल्म 20वें दिन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 85 लाख रुपए का कारोबार कर रही है। इसी के साथ दोस्तों भारत फिल्म का 20 दिन का इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 211 करोड़ रुपए। वही अगर बात करें ग्रोस कलेक्शन की, तो फिल्म का इंडिया ग्रोस कलेक्शन 261 करोड़ रुपए हो चुका है। वही दोस्तों फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 332 करोड़ रुपए। आपको बता दें दोस्तों, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो चुकी है। ही दोस्तों बात करें कबीर सिंह फिल्म के बारे में, तो कबीर सिंह फिल्म रिलीज हुई थी 21 जून को और फिल्म को आज बॉक्स ऑफिस पर पूरे हो चुके हैं 4 दिन। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें फिल्म के बारे में, तो फिल्म को डायरेक्ट किया है संदीप रेड्डी वेंगा ने। वही इस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी। अगर बात करें फिल्म के बजट के बारे में, तो फिल्म का बजट है 45 करोड़ रुपये। वही 10 करोड़ रुपये इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन और मार्केटिंग कॉस्ट है, यानी फिल्म कम्प्लीट हो चुकी है पूरी तरह से लगभग 55 करोड़ रुपए में। वही अगर बात करें इस फिल्म के स्क्रीन काउंट के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को हिंदुस्तान में रिलीज किया गया है 3123 स्क्रीन में, और ओवरसीज मार्केट में इस फिल्म को मिली थी 493 स्क्रीन, यानी कि फिल्म वर्ल्ड वाइड लगभग 3600 स्क्रीन से भी ज्यादा में रिलीज हुई थी। अब अगर बात करें फिल्म के 4 दिन के डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 20 करोड़ 21 लाख रुपए। दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन रहा था 22 करोड़ 71 लाख रुपए, और तीसरे दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग ली और फिल्म ने तीसरे दिन कमाए 28 करोड़ 10 लाख रुपए। वही दोस्तों बात करें चौथे दिन के कलेक्शन की, तो चौथे दिन भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही, और जो अभी तक की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये फिल्म चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर कमा रही है लगभग 16 करोड़ रुपये। इसी के साथ दोस्तों कबीर सिंह फिल्म का 4 दिन का इंडिया में नेट कलेक्शन हो चुका है 87 करोड़ 20 लाख रुपये। वही अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के ग्रोस कलेक्शन की, तो फिल्म का इंडिया का ग्रोस कलेक्शन 101 करोड़ रुपए हो चुका है, और ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने कमाए हैं 4 दिनों में 18 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन जो हुआ है 4 दिन का, वो हो चुका है 119 करोड़ रुपए। अब आपको बता दें दोस्तों, फिल्म का बजट 55 करोड़ रुपए, और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड मार्केट में 119 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर लिया, यानी कि यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो चुकी है। तो दोस्तों ये था इन दोनों फिल्मों का अब तक का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अगर आपने ये दोनों फिल्में देखी, तो इसमें से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, सलमान खान की भारत या फिर शाहिद कपूर की कबीर सिंह? अपनी फेवरेट फिल्म का नाम कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बॉलीवुड और साउथ की ऐसी नई खबरों के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।